कक्षा 12 में आज पढ़ेंगे शुक्र जनन तथा अंड जनन में प्रमुख अंतर एवं समानताएं। इसके बाद शुक्राणु और अंडाणु की संरचना का अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर को समझेंगे। शुक्र जनन या शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंड जनन की क्रिया में एक ओसाइट से केवल एक अंडाणु बनता है। शुक्राणु जनन की क्रिया में पोलर बॉडीज अर्थात ध्रुवीय कोशिकाएं नहीं बनती हैं, जबकि अंड जनन की क्रिया में 2 या 3 पोलर बॉडीज अर्थात ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। शुक्र जनन की क्रिया में सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का विभाजन समान होता है, जबकि अंड जनन में कोशिका द्रव्य का विभाजन असमान होता है। शुक्र जनन की क्रिया के अंत में बने सभी युग्मक अर्थात शुक्राणु चल होते हैं। चल का मतलब ये गतिशील होते हैं क्योंकि इनमें टेल पाई जाती है। जबकि अंड जनन की क्रिया के अंत में बने युग्मक अर्थात अंडाणु अचल होता है। शुक्र जनन की क्रिया के अंत में बना नर युग्मक सदैव लंबा और पूंछ युक्त होता है, जबकि अंड जनन की क्रिया के अंत में बना मादा युग्मक सदैव गोलाकार होता है। अब समझेंगे शुक्र जनन एवं अंड जनन में समानताएं। दोनों ही क्रियाओं में जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं का विभाजन होता है। दोनों क्रियाएं 3 चरणों में पूर्ण होती हैं, जिन्हें क्रमशः गुणन प्रावस्था अर्थात मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था अर्थात ग्रोथ फेज तथा परिपक्वन प्रावस्था अर्थात मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। गुणन प्रावस्था के अंतर्गत दोनों क्रियाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा जनन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। दोनों क्रियाओं की परिपक्वन अवस्था में अर्थात मैच्योरेशन फेज में 2 विभाजन होते हैं। प्रथम परिपक्वन विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। दोनों क्रियाओं के अंत में अगुणित युग्मक बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब समझेंगे शुक्राणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। प्रत्येक शुक्राणु पतला व लंबा होता है। यह उत्तेजित होने पर अपनी टेल अर्थात पूंछ की सहायता से गति करता है। इसमें 3 प्रमुख भाग पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः सिर अर्थात हेड, मध्य भाग अर्थात मिडिल पीस तथा पूंछ अर्थात टेल कहा जाता है। इसका हेड अर्थात सिर भाग लंबा होता है और इसमें एक लंबा सा केंद्रक भी पाया जाता है। इसके आगे की ओर एक उभार होता है, यह टोपीनुमा उभार एक्रोसोम कहलाता है, जिसमें एंजाइम भरे होते हैं। मध्य भाग कुछ छोटा होता है, जिसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इसके अलावा इस भाग में एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। शुक्राणु का अंतिम भाग टेल अर्थात पूंछ है, यह जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में स्थित होती है। यह भाग शुक्राणु को गति प्रदान करता है। अब समझेंगे मादा युग्मक अर्थात अंडाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट या ओवा। स्त्री का अंडाणु लगभग 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है
अंडाणु का बड़ा आकार, इसमें संचित पीले रंग के पीतक, जिसे हम योक भी कह सकते हैं, इसी के कारण होता है। पीतक में पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। सभी जंतुओं का परिपक्व अंडाणु सामान्य कोशिका से काफ़ी अधिक बड़ा होता है। अंडाणु के अंदर एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। चारों ओर से अंडाणु सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है।